भिलाई छत्तीसगढ़ का एक मॉडर्न सिटी जो कि 1955 के पहले मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। 1955 में फाउंडेशन ले की गई भिलाई स्टील प्लांट की और उसके बाद भिलाई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख शहर होने के साथ साथ स्टेट का एजुकेशन हब और इंडियन रेलवेज के रेल लाइंस का प्रमुख मैन्युफैक्चरर भी है। इसका मतलब जो रेलगाड़ी भारत भर में चलती है वो छुप छुप करके भिलाई की ही रेल्स पर चला करती है। भिलाई में अलग अलग जाति धर्म जिनके खान पान रीति रिवाज अलग होने के बावजूद सारे फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। भिलाई एक ऐसा शहर है जहाँ दीपावली और ईद में जितनी रौनक रहती है उतनी ही रौनक तीजा पोला हरेली गुरुपर्व और छठ में रहती है। भिलाई में ऐसा कौन सा त्योहार है जो पूरे जोश खरोश के साथ नहीं मनाया जाता? गणपति जी को भी उसी प्यार से अगले बरस आने का न्योता दिया जाता है जितने लाड़ से जीसस को उनके बर्थडे पे आने का। मैं पहुंचा था सेक्टर 1 पार्क में तो यहाँ मनाया जा रहा था आंवला नवमी का त्योहार। आंवला नवमी जिसको कि अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है दीपावली के 9th डे पे कार्तिक शुक्ल पक्ष में। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स डिवोटीज जो है वो आंवला पेड़ की पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो यहां औरतें आंवला पेड़ की पूजा करती हैं वहां पे दूध का अर्पण करके, साथ ही कच्चा धागे को आंवला पेड़ के आसपास बांध के। आया मेरे को इस ब्लॉग में इंटरेस्ट आने का रीजन ये है, अभी मैं हूँ सेक्टर 1 के पार्क में जहाँ पे उस दिन यहाँ पे दीपोत्सव हुआ था और भाई यहाँ पे ये आयोजन खत्म क्यों नहीं होता है बे? तो भाई बहुत ही मजे कर रहे हैं सब यहाँ के आयोजन में, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मेरे को बचपन की याद आ गया जहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली मैं फिर से आया था वैसे ही सो उठ के मुंह उठा के बस आ गया था कि भाई देखते हैं व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड यहाँ पे बस हाउजी हाउजी का गेम चल रहा था, बट मेरे को सडनली याद आया कि भाई मेरा बचपन में ये होता था, दादी जो है हमारी वो हमारे घर पे एक आंवला का पेड़ हुआ करता था और ये आंवला नवमी का जो पूजा है वो आज यहाँ पे हो रहा है। तो उस पेड़ के आसपास ही खाना कुक किया जाता था मेरे घर में और खाना कुक करने के बाद उसी पेड़ के नीचे बैठ के हम सब घर में खाना खाते थे। एंड दैट फूड टेस्टेड ऑसम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मज़ेदार था उस समय का खाना। तो वो सारी बचपन की जो यादें हैं ना यार, आई जस्ट विश कि यार वो सब चीज़ वापस लाइफ में वैसे का वैसे आ जाए, बट ड्यू टू बहुत सारे चेंजेस जो कि हो जाते हैं आदमी की ज़िंदगी में, लोग उलझन में पड़ जाते हैं अपने लाइफ में, दौड़ते भागते रहते हैं फॉर अर्निंग द डेली ब्रेड एंड बटर, तो इन सब के कारण ये सारी चीज़ें जो है हमारे ट्रेडिशन और कल्चर हमसे थोड़े बहुत छूट जाते हैं। बट नेवरदलेस बहुत ज़बरदस्त आयोजन हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे एट सेक्टर 1। तो भाई डोंट मिस इट, कभी भी कुछ भी हो रहा है यहाँ और बहुत मज़ेदार आयोजन हो रहा है, बहुत सारे गेम्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और बहुत सारा यहाँ पे खाना पीना धूमधमाल हो रहा है। बट लेडीज़ और बच्चा पार्टी जो है यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, एंड लेट मी शो यू कैसे हैं। टिकट ले लेंगे क्या पता है, मैं हर फेस्टिवल इस बार मना पा रहा हूँ और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये भी है कि मैं अपने बचपन की यादों को दोबारा से जी पा रहा हूँ। तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बट मेरे साथ तो जुड़ी हुई है एंड आई एम एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। बढ़िया यार, मतलब इंडियन ट्रेडिशन कल्चर, यहाँ के फेस्टिवल फेस्टिविटीज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है मुझे, फैसिनेटिंग है बॉस, क्योंकि ना मतलब ऐसा कल्चर, इतना रिच कल्चर ना किसी और जगह मिलना इम्पॉसिबल है। एंड वी आर गेटिंग ऑल दोस, ये सब कुछ का लुत्फ हम उठा रहे हैं यहाँ कहाँ, एट अवर प्यारा सा भिलाई। तो भिलाई यार ऐसा जगह है जहाँ आप सिर्फ खुशियाँ बटोरने आ जाओ और खुशियाँ बटोर के ही आप जाओगे, भले भी आप काम कहीं भी करते हो, बट भिलाई इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप सारे फेस्टिवल फेस्टिविटीज़ का पूरे दिल से मज़ा उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा कलरफुल हैं, फेस्टिवल बहुत तगड़े मनते हैं यहाँ पे। सो आज यहाँ पे आंवला नवमी में मना लिया मैंने, तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज डे, दस सुतानिया फॉर टुडे। तो वीडियो शूट करना मेरे लिए घातक रहा, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा लिप्त हो गया वीडियो शूट करने में और इन लोगों के शाउट में और एक्साइटमेंट में,
कि चींटियां मेरे पैरों पे चढ़ गई और फॉलिक एसिड के जो एकदम चटकारे मेरे शरीर में भी लग रहे हैं ना, क्या बताऊं मैं तुमको। यहाँ धर्म जाति से ऊपर उठकर हमारे भारत के रिच कल्चर और हेरिटेज को संवारा जाता है। चाहे भिलाई के लोग कहीं भी हो, आज भी उनके दिल में यहाँ के त्योहारों की मीठी मीठी यादें बसी हुई हैं।